अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो बाबा जी, सबसे पहले तो बनती है सस्ती शायरी। तो अनोनिमस की पब्लिक अर्ज किया है कि मुझे पसंद है मकई की रोटी और सरसों का साग। वाह 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 वाह, मुझे पता है आप लोगों के मुंह में पानी आ चुका है। आप लोगों को भी बहुत पसंद है मकई की रोटी और सरसों का साग, मुझे भी है, बट खाने को बहुत कम मिलता है। तो हमारी सस्ती शायरी में आज आपकी फेवरेट डिश है, जो कि लाइक काफ़ी लोगों को पसंद होगी, और जो हमारे कुछ भाई लोग मम्मी डैडी होंगे उनको नहीं पता होगा कि मकई की रोटी और सरसों का साग होता क्या है। तो अर्ज़ किया कि मुझे पसंद है मकई की रोटी और सरसों का साग, जैसे ही देखो बौर तो उसके पीछे भाग, क्योंकि किल का नो मजाक। सस्ती शायरी उल्टी सीधी शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। कुछ ज़्यादा उल्टी सीधी हो गई थी है ना, घूम घूम के आज तो जलेबी बन गई थी हमारी सस्ती शायरी, यहाँ वहाँ घूम रही थी। तो बाबा जी, हमने जंप किया पुचिंगी यानी पिंडी यानी रावल पिंडी, और यहाँ पे आ रहे थे बंदे, क्योंकि पबजी में वैसे पुचिंगी कोई नहीं जाता, लेकिन पबजी वाले भी बड़े तेज़ हैं। ये डाल देते हैं आरपी में मिशंस के, जाओ पचिंकी में 20 बंदे मारो, फिर मजबूरन सबको पचिंकी आना पड़ता है और आप लोगों को भी आना पड़ता होगा। ये बहुत से लोग चलाक होते हैं, वो क्या करते हैं आरपी वाले कार्ड से मिशन जो है वो बाय कर लेते हैं, पचिंकी लैंड नहीं करते। तो हम उन चलाक में शामिल नहीं है, हम आ गए थे पचिंकी और यहाँ पे हमने लूट स्टार्ट की बाबा जी। लूट करने के बाद अब बंदे आए थे इस सेट पे, तो मैं रश कर देता हूँ। और UMP मेरे पास है, जो कि अब किसी की फेवरेट नहीं रही, एक टाइम तक सबकी फेवरेट थी, जब उसमें वो पिंक वाली नहीं, सॉरी पिंक वाली तो नहीं, वो ऑरेंज वाली एमो डलती थी। अब ये बंदे बॉट वॉट को मारते थे, आई गेस रियल को मारते पता नहीं, बट यहाँ पे जो है ना तीन के तीन ही घूम रहे थे। कि मैंने एक भाई को नॉक किया, दूसरे को करने लगा, लेकिन भाई दो दो थे वहाँ पे, तो हमने कहा ये ना हमारी खोपड़ी टूट जाए। लेवल 1 का हेलमेट है तो मैंने रिस्क नहीं लिया, और ये फिर वो एम अटक जाता, ऊपर ही जा रहा था, जो कॉइल कंट्रोल नहीं हो रहा था, ये ग्लिच है, ये ठीक नहीं करते पबजी वाले। और फिर ये मेरे भाई मस्ती कर रहे थे, तो गैस हमने इनको नॉक किया, हमने कहा ऐसे कैसे बाबा जी, और अब करेंगे रश, क्योंकि इनके दो नॉक हैं, एक ही बंदा बचा है गैस, शायद से एक ही बंदा बचा, तो हमने कर दिया रश और अब अपना किल कन्फर्म करेंगे। और वो गैस जिस घर के पास मैं हूँ ना, इसके बिल्कुल जो अपोजिट साइड में घर है, वहाँ पर भाई दे रहे हैं रिवाइव अपने टीम मेट को। तो मैं आ जाता हूँ ऊपर वाले घर में, जहाँ वो हमें काफ़ी तंग करने वाले हैं भाई, बड़ा ढीट है ये, वो सामने पीक लेके खड़ा हो जाएगा, बड़ा ही ढीट है। और यहाँ पे मुझे साउंड आता है कि भाई ने नेड कुक किया, और मैं मुझे आइडिया आ रहा था कि वो गैस कैन फाड़ के नॉक करूँ, बट मेरे को कोई अच्छा एंगल नहीं था। और यहाँ पे जब मुझे साउंड आया ना कि भाई ने नेड निकाला, हमारी ज़िंदगी खतरे में आ गई गैस, मैं फ़ौरन से भाग के पीछे आ जाता हूँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि नेड फट जाए, और नेड यहाँ आ नहीं सकता था, तो मतलब मैं थोड़ा सा सेफ था और बच गया, अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा बच गए दोबारा से। ओ भाई 7 की एमो, कितनी खुशी होती है जब आप, खुशी होती है जब आप मतलब लूट नहीं होती पचिंकी में और आपको ऐसी छोटी छोटी एमो मिल जाती है ना, तब बड़ी खुशी होती है। ओ हो सर जी वाह वाह, सर जी वाह, क्या पीक ले रहे हैं आप, मतलब पोज बना के भाई हमें देख रहे थे। तो बाबा जी, अगर आपने अभी तक लाइक बटन नहीं ठोका तो ये गिली गिली चुम्मी रखी और प्लीज़ लाइक बटन ठोक दीजिए। फिर मैंने बस ट्राई किया कि मैं रश करता हूँ, स्मोक फेंका एक ताकि ऊपर स्मोक हो जाए, पहले तो डर जाएं वो, और बाद में देखें स्मोक है लेकिन थोड़ा बहुत घबराए जाएंगे वो। और फिर एक बंदा उनका नीचे होता है गाइस, वो पीछे भागा वहाँ पे, यहाँ पे मुझे साउंड आता है कि नीचे है, फुटप्रिंट आते हैं, और मैं जब तक देखता हूँ भाई राइट में भागते हैं। तो यहाँ पे अपने भाई को डाउन किया, फौरन से करेंगे फिनिश। अब एक ही बंदा बचा जो कि ऊपर, हम साइड पे आ जाते हैं क्योंकि ज़िंदगी खतरे में, हमारी भी हेल्थ जो है वो आधी है। अब भाई को हेड पड़ा गाइस, देखा अपने हेड, एक हेड रजिस्टर हुआ था, तो मैं समझ गया कि भाई की हेल्थ काफ़ी कम है और भाई भाग रहे हैं, तो हम भाई के पीछे पीछे। अरे भाई साहब ऐसे कैसे, और फिर हमने भाई को यहाँ पे लूटा मज़े से, क्या तो लूट लेके घूम रहे गाइस। ये बात आप नोट की होगी कि गन फाइट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आपकी एनिमी को हमेशा हमेशा आपसे अच्छी लूट मिलेगी, आप ये नोट किया होगा आपने, और लाइक मैंने भी काफ़ी किया कि कुछ भी कर लो आप, जितनी भी अच्छी जगह उतर जाओ, एनिमी के पास पता नहीं कहाँ से लूट आएगी। और फिर हमने बॉट भैया को मारा और फिनिश करेंगे, क्योंकि हम सब की केड़ी ज़्यादा होने का राज बॉट भैया। ओके, मैं थोड़ा यहाँ पे सस्ती शायरी बनाता हूँ। ताता थैया धैया धैया, वाह 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 वाह, हम सब की केड़ी ज़्यादा होने का राज है बॉट भैया। सस्ती शायरी उल्टी सीधी शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। तो आप अपने अनोनिमस भाई का टैलेंट देख सकते हो, कभी भी किसी की भी सस्ती शायरी बना सकते हैं। तो गैस उसके बाद अब सामने हो रही थी फायरिंग, मैं यहाँ पे मज़े से बैठ गया कि चलो अब थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जैसे वो आएंगे तो उसके बाद हम उनको मारेंगे। फिलहाल हम कर लेते हैं बॉट भैया की लूट, स्मोक एक फेंका,
और क्रेट लूटने के लिए एकदम हम तैयार हैं। यहाँ पे मैंने किल चुराने की कोशिश की बट हमारी री रोड पे लग गई गन और किल जो था हमारा चोरी नहीं हुआ। अब मम्मा हीरदा भागा हुआ आएगा गाइज पिंडी में पोचिंकी में सिक्स रोड पे भाग रहे हैं हमारे भाई, और जैसे हमारे सामने आएंगे भाई को नॉक एंड फिनिश करेंगे हम। और अब बॉट भैया की लूट करेंगे मजे से गाइज, क्योंकि लूट का नो मजाक। व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 इस कॉल लूट का नो मजाक लॉ ऑफ एनोनिमस। अब गाइस अब कैंपिंग लेवल देखना बंदे का। उसी घर से हम लोग निकले ठीक है, और यहाँ पर आए मैं गाड़ी में गैराज पे आया था, मैंने क्रेट चेक की, फिर मुझे था कि सामने वाली क्रेट भी जाकर देखता हूँ उसमें क्या है, और कैंपिंग लेवल चेक करूँगा। जब मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं ना इसी घर के नीचे ना रेड जोन था, तो मैं काफ़ी देर से बैठा था, रेड जोन ख़त्म होने का वेट किया, इस बंदे ने साउंड तक नहीं दिया। भाई कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, और ये भाई ने कर दी वीडियो ख़राब। तो ऐसे तो बहुत बार वीडियो ख़राब होती है, बैंड बज जाती है हमारी, ऐसे ऐसे जगह से कैम करके मारते ना हमारे बम में गोलियाँ कि बस भाई क्या बताएं आपको। और उसके बाद गाइस हमने लगा लिया एक और मैच, इसमें हमारे साथ हमारे साइलेंट भैया किलर थे, और हमने जाना था अपना, अच्छा अब मैं इसका नाम नहीं लूँगा, आप कमेंट करके बताओगे कि इस सिटी का नाम हमने क्या रखा था, देखते हैं आपकी याददाश्त कितनी तेज़ है। एनोनिमस की पब्लिक हम जा रहे थे मिलिट्री बेस, और हमने जाना था सी बिल्डिंग, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदे आने वाले हैं, काफ़ी लंबी फाइट चलने वाली है गाइस। ये ऐसी सिटी बन गई कि इसमें बहुत बंदे आने लग गए, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें ना डर लगता है, घास अलग है, इतने ज़्यादा रूम्स अलग हैं, और ऐसे ऐसे कैंपर मिलते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी खतरे में आ जाती है। तो फिलहाल तो हम उतरे और यहाँ पे हम करने लगे लूट, और कोई गन मिली नहीं थी, तो हमारे टीममेट इतने प्यारे टीममेट, अलापा कैसे टीममेट ऐसे वक्त पे सबको दे जो हमें बुला के बोले भाई मेरे पास M416 है एक्स्ट्रा आके ले ले। हमने कहा सर जी नेकी और पूछ पूछ, आपने इतना अच्छा काम किया, आपकी शादी बहुत जल्दी होगी, हमारे दुआ है। भाई ने एमओ भी दे दी, M4 भी दे दी, भाई लव यू, आपकी शादी बहुत जल्दी होगी, हमने दुआ कर दी साइलेंट भैया, और आपकी बीवी ना आपके बम पे ना जूते लगाया करेगी, और फिर आपकी बड़ी धुलाई हुआ करेगी, ये भी हम साथ में बोल दें आपको, कपड़े धुलवाया करेगी आपसे, किचन का काम करवाया करेगी आपसे, फर्श धुलवाया करेगी आपसे। और ओके बंदे आ गए गाइस यहाँ पे, मार किसको रहा था, ये भाई सामने आ जाते हैं, इन भाई के पास तो गन भी नहीं है, मतलब मैं मार किसको रहा था, आ कौन आता सामने, और फिर यहाँ तो मेरे टीममेट ने मुझे डरा दिया गाइस, मैं एकदम से सच में डर गया था, पीछे से गोली चली अपने टीममेट को मारने लग गया। आपने देखा कैसे हुआ था वो सीन, फनी था। और फिर इनका आखिरी बंदा बचता है जो कि बाहर था, और फिर हमने इन भाई को भी मारा, तो यहाँ पे हमें मिल जाते हैं 4 किल बाबा जी, और मज़े से करेंगे लूट टैप 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 टैप। लेकिन यहाँ पे फिन मतलब अभी खेल ख़त्म नहीं होता, अभी तो पार्टी शुरू हुई है एनोनिमस की पब्लिक, काफ़ी ज़्यादा बंदे थे, और यहाँ पे साउंड आ रहा था, मैं साउंड लेने के लिए आया। अब सामने वाली बिल्डिंग में अलग स्क्वाड है, लेफ्ट वाली बिल्डिंग में अलग टीम है, क्योंकि तो वहाँ पे बंदा था बट मेरे पास कोई अच्छा एंगल नहीं था, तो मैंने फैसला किया कि मैं जाके उसी बिल्डिंग में लाइक एक बिल्डिंग हम लोग जाके क्लियर करते हैं। तो हमने कर दिया गाइस 7 वाली बिल्डिंग में रश, ऊपर भागता मैं और बस आगे की तरफ जा ही रहा था, और मुझे ज़रा आइडिया नहीं था कि मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ बंदा पहले से बैठा होगा, और ये भाई जो है ना वहीं पे बैठे हुए थे, इन्होंने हमें एकदम से डरा दिया, और फिर हमने इनको नॉक इन कंफर्म किया। अब इनके टीममेट जॉकर भैया के बाहर आ चुके हैं, भाई को भी फिनिश किया, जो भाई एकदम TPP लेके खतरनाक वाली, भाई अपने टीममेट की मौत का बदला लेने के लिए एकदम तैयार खड़े हुए थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी बची। और ये भाई साहब तो इनकी मम्मा ने बोला था बेटा क्या मंगवाया होगा गाइज, ओके अब देख सब लोग बोलना ओके, चलो यहाँ पे एक फनी चीज़ करते हैं, सब लोग कमेंट रीड करना, इनकी मम्मा ने इनको क्या लेने भेजा होगा, मैं हर बार बोलता हूँ दही ले आ दूध ले आ, आप सब अपना अपना कमेंट करो कि भाई क्या ऑफलाइन, हाँ ऑफलाइन लड़के की मम्मा ने इसको ये लाने भेजा होगा, मतलब ये की जगह आप कोई भी फनी चीज़ देख सकते हो। ये इनके दूसरे टीममेट को गाइज हमने नॉक किया, अब ऑलरेडी नहीं था तो इस बिल्डिंग में डेफिनेटली इनके बंदे हो सकते थे, तो मैंने कर दिया साइड पे रश बाबा जी, और देखते हैं मज़े कमेंट्स आएंगे, तो आप प्लीज़ कमेंट करना कि उसकी मम्मा ने उसको क्या लेने के लिए भेजा। ऊपर आते तो गाइस ये बंदा नज़र आता है, यहाँ पे मैंने शॉट दिए, थोड़ा सा डैमेज है, और बेचारा DP लेके यहाँ पे ये हो जाता है फिनिश। अब सी बिल्डिंग गाइस एकदम हम क्लियर कर चुके हैं, 9 किल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हो चुके हैं, और फिर हम मज़े से कर रहे हैं लूट, और यहाँ हमारे टीम में दोबारा से एक अच्छी चीज़ हमें देंगे, वो है 5K एमओ का, भाई मेरे पास 350 5K एमओ है लोगे, मैंने कहा भाई नहीं की और पूछ पूछ जल्दी से दे दीजिए, भाई ने एमओ दे दी, और उसके बाद हम चलते हैं आगे लूट करते करते आगे की तरफ। Watch out.
Let's go. अरे और गाइस यहाँ पे आ जाते हैं जिंदगी खतरे में, क्योंकि ऐसे ऐसे साइड पे एंगल लेके बैठे होते हैं ये बंदे। बट हमारे साइलेंट भैया की हेल्थ कम है, मार्क करके मैंने बताया बंदा यहाँ पर है, जिंदगी खतरे में आई हुई है। फिनिश कर रहा था भाई वो तो, लेकिन यहाँ पे हम बच जाते हैं। स्नेक ने मार दिया तो भाई हेल्थ दोनों की कम थी, मैं ब्लीड आउट हो रहा था और साइलेंट की भी काफ़ी हेल्थ कम थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिंदगी बच गई, मौत कुछ हुआ हमने गाइस, और टक से वापस आ गए बाबा जी। अब भैया हमें हील वील करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी मिलिट्री बेस के कैंपर्स ख़त्म नहीं होते। अभी लूट कर रहे थे मज़े से, और पता नहीं कहाँ से गोली मारने लगेगा मेरा भाई एक और। मतलब नहीं भाई मतलब जान तो छोड़नी नहीं है ना, ऐसे ऐसे कैंपर कहाँ कहाँ से निकल के आएंगे पता भी नहीं चलता। मज़े से कर रहे हैं लूट और एकदम से गोलियाँ पड़ना शुरू। हेल्थ खा गया मेरा भाई, और फिर हमारी वेस्ट बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, हेलमेट चुक कर बचा हुआ लेवल 3 का। और फिर हमने फर्स्ट एड लगाया और वेट कर रहे थे कि भाई छोड़ेंगे तो नहीं आपको फिलहाल। फर्स्ट एड मार गए, जल्दबाजी नहीं किया करो, देखो आराम से हील किया। और जैसे आपको टाइम मिले ना, बेशक ज़रा सा टाइम मिले, 10 सेकंड है ना, फ़ौरन से बूस्ट मार लो। बूस्ट आपकी बहुत हेल्प करते हैं। सम टाइम जब आप 1v2 करते हो ना, तो जो आपकी ज़रा सी HP बच जाती है ना, वो सिर्फ इसीलिए बचती है क्योंकि आपने बूस्ट कर रखा था। तो बॉट मारेंगे, एक AD बढ़ाएंगे, और उसके बाद आखिरी बंदा स्पॉट करने का ट्राई कर रहे थे, जो कि यहाँ पे कहीं पे सांप बना था जिसने साइलेंट की हेल्थ खाई थी। अब उसकी HP देख सकते हो काफ़ी कम थी। और फिर मैं अंदर की साइड से अलग एंगल चेंज करने की कोशिश करता हूँ, और ये भाई इतनी देर में धुड़की लगा दें गाड़ी की तरफ। भाई जब भागने ही था तो मिलिट्री बेस आए क्यों, और अगर आए थे तो फिर भाग ही क्यों रहे थे मेरे भाई। और गाइस फिर हम क्या करेंगे कि उठाएंगे गाड़ी, फ्लेयर चली थी नोवो में, और मज़े की बात कि जोन से बाहर चली थी, तो हमें लगा जोन में हम लोग वहाँ पर रश करते हैं, और ये लोग भाई BRDM मंगा के बैठे होंगे वहाँ पे नोवो में। बाबा जी ज़िंदगी ख़तरे में आ गई थी, बट हमने मौत को छुआ और टक से वापस आ गए। और फिर इनकी लूट करेंगे, भाई लोगों ने BRDM मंगाई थी, पता नहीं गाइस कुछ लोग होते हैं BRDM मंगवा लेंगे और पूरे मैच में फिर हर जगह BRDM लेके घूमते रहेंगे, उनको पता फटेगी तो नहीं इतनी जल्दी से, और हर जगह बस हर शहर में कीड़े कर रहे होते हैं BRDM लेके घूम रहे होते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर लूट वगैरह की गाइस, गाड़ी निकालेंगे अपनी और फिर बंदे ढूंढने के लिए जाएंगे। हमने जाना है डेफिनेटली जो कि जोन के बिल्कुल मिडिल में था, पहुँचेंगे, काफ़ी कम बंदे अलाइव रह गए थे, और हमने जाना था पुचिंग की। तो अभी देखो गाइस, एक तो टीममेट बैठता नहीं है, फिर बोलेगा भाई मैं टैप किया था बैठा ही नहीं। और अगर आपकी टीममेट भी ऐसा करते हैं तो मुझे बताना, आप अगर ड्राइव कर रहे हो तो बैठेंगे नहीं, फिर बोलेंगे भाई टैप तो कर दिया था बैठा ही नहीं बंदा, और फिर मतलब कवर करते हैं ऐसे, है ना, लाइक फोकस नहीं होता उनका गेट इन करने पे, और बाद में कवर कर रहे होते हैं। बड़े मज़ा ही होते हैं हमारे टीममेट। ड्रॉप पे आए थे गाइस गाड़ी लेके हम लोग, और यहाँ पे ऑलरेडी एक बगी खड़ी होती है, तो हमने थोड़ी सी कवर में रोकी गाड़ी और फिर एम किया वहाँ पे बंदों ने, एम कर लेता हूँ तो शॉट दिए, डैमेज पड़ा, बॉडी शॉट भी लगे थे, हेड शॉट भी रजिस्टर हुआ था, और फ़ौरन से हमारे भाई ने किल चुरा लिया। मतलब क्या
गाइस इतना दुख होता है ना जब टीममेट किल चुराता है, इतना दुख होता है ना, मरने का इतना दुख नहीं होता जितना किल चुराने का दुख होता है गाइस। ये बस जिनके किल चोरी होते हैं ना वही लोग ये दुख समझ सकते हैं, उन्हीं का दिल ये दर्द समझ सकता है गाइस। उसके बाद गाड़ी घुमाते हुए हम यहाँ पर आ गए थे और गुजर ही रहे थे कि यहाँ पर हमारी गाड़ी में पड़ेंगी गोलियाँ ठा ठा ढुस ढुस करके। हमने गाड़ी रोक दी और यहाँ पे जैसे मैं जाता हूँ ओपन में और हमारी ज़िंदगी एकदम खतरे में आ जाएगी गाइस। वो देखो दो दो तीन तीन बंदे एकदम से बस हवा निकल गई, हमारी हवा टाइट हो गई, वापस से पीछे भागे। और गाइस ये तो अपने टीममेट को बचाने जाता है, आई थिंक ये जो नॉक हुआ पहले ये उसकी बीवी थी और जो बाद में भाग रहा था रिवाइव देने के लिए उसका हस्बैंड था। बीवी ने बोला होगा आ जा वरना तुझे रोटी नहीं दूंगी मैं, फिर बेचारा भाग रहा था बस। और मज़े की बात गाइस आपने नोट किया डीपी पे भी वही ग्लिच हुआ था मेरा जब मैं 3x स्प्रे कर रहा था कि रिकॉइल ना कंट्रोल नहीं होता ऊपर की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पे इतनी देर में ये अलग भाई कीड़े करने लग जाते हैं, रिकॉइल ऊपर की तरफ जा रहा था गाइस कंट्रोल नहीं हो रहा था। और ये मेरे साथ होता है जब मैं सिर्फ 7 की एमओ वाली गन यूज़ करता हूँ, बेशक वो एमके है, बेशक बैरल है, बेशक एके है, डीपी है, सिर्फ उसी से मेरा ये वाला ग्लिच हो जाता है। तो इन भाई साहब ने पूरी कोशिश की, पहले कीड़े किए भाई ने और फिर भागने की पूरी कोशिश की, बट हमने भागने नहीं दिया और 16 किल हो चुके थे गाइस हमारे। फिर मजे से लूट करेंगे। यहाँ पे हमारे टीममेट ने ना हमसे ले लिया पंगा, मैं इन्होंने बोला आओ भाई नेट की फाइट करते हैं, देखते कौन किसको नॉक करता है। तो हमने कहा ज़रूर भैया, नेकी और पूछ पूछ नेट फाइट तो हमारी फेवरेट है। नेट निकाला और भैया हमारे भैया पीछे की तरफ भाग लिए, लेकिन हमने कोशिश की कि नेट से नॉक किया जाए, बट ठा करके फटा लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद दोनों साइड से गाइस नेट कुक हो चुका है, अब देखते कौन किसके नेट से होता है ढा करके फटता है। थैंक और ये लो भाई आप हमसे नेट फाइट नहीं कर सकते साइलेंट भैया। और साइलेंट का नेट भी गाइस वहीं पर फटा था तो बेचारा बच गया, वरना इसकी बैंड बज जाती, इसका क्रेट बन जाता। हम रिवाइव देंगे और उसके बाद यहाँ बैठ के थोड़ी सी टिकटॉक बनाएंगे। अब यहाँ पे अब मुझे बताओ कौन सा म्यूज़िक बनता है, मेरे ख्याल से वो वाला बनता है बापू तेरे करके मैं पैरां ते खलो गया, वो गड्डी जो का हो गया, वो वाला म्यूज़िक बनता है यहाँ पे, है ना, ट्रैक्टर बैठा हुआ बंदा। आप लोग बताओ कौन सा फ़नी म्यूज़िक यहाँ पे बनता है, और लाइक ट्रैक्टर कमेंट करना प्रॉपर के ट्रैक्टर वाले सीन पे ये वाला सॉन्ग बनता है। फिर गाइस उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलने लगे मज़े से, गाड़ी उठाएंगे और निकलते हैं यहाँ से क्योंकि टिकटॉक हमारी बन चुकी है और अपना पिंडी भी खाली हो चुका है, तो गाड़ी उठा के इनसे निकलना ही बनता है। चलिए सर जी आ जाइए, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप। और हम यहाँ से निकले, ड्रॉप लूटा था गाइस जो सामने था, लूटने के बाद यहाँ पर आए थे ये भाई, हमें काफ़ी दूर नज़र आए, मैंने स्प्रे किया इनको काफ़ी ज़्यादा लो किया, लेकिन जितना हल्के में मैं इन भाई को ले रहा था ना ये उतने हल्के प्लेयर नहीं थे, इन्होंने हमारी बैंड बजा दी गाइस। ये वहाँ पर जाके जो गंदा स्प्रे देगा ना हमारी हमारे बम में गोलियाँ लगने वाली हैं बहुत ज़्यादा। बाबा जी सर ने ना गज, मैं बता रहा हूँ हम मौत के मुंह में चले गए थे, बट टक से वापस आ गया, मेरा टीममेट भी दूर था, अगर वो नॉक कर देता ना वो फिनिश करने की ट्राई करता पूरी, और सम टाइम आपको मजाक महंगा पड़ जाता, काफ़ी अच्छा बंदा मारा था ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा बच गए। उसके बाद गज यहाँ पे आ जाते हैं बंदे स्पॉट करते करते, एकदम से गोलियाँ पड़ी सांप बन जाएंगे और दोनों के दोनों सांप है, दोनों के दोनों टीममेट्स हैं, दो ही बचे थे गाइस जब मैं जंप करके स्पॉट किया। अच्छा गाइस अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, दूसरा भी यहीं पर लेटा हुआ था, आप ना वीडियो बैक करके देख सकते हो दोबारा से, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आखिरी बंदा नजर आता है, इसको किया हमने फिनिश और हमें मिली चिकन विनर डिनर डिनर। अब गैस वो चीज़ ये है कि आपने देखा जब वो घास से मारता ना तो गन से फ्लैश निकल रहा था, जो फ्लैश हाइडर होता है ना वो इसीलिए होता है जब आप सांप बन के गोलियाँ मारोगे ना तो जो गन के आगे से फ्लैश निकल रही होती ना आग से निकल रही होती ये शो नहीं होती, तो भाई की गन पे फ्लैश हाइडर नहीं लगा हुआ था इसलिए सांप बने तो स्पॉट हो गए। अगर आप शाम बनते हो स्पॉट नहीं हो तो फ्लैश हाइडर यूज़ किया करो। तो गाइस वीडियो कैसे लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर के कमेंट से जरूर बताना, मेरे को भी बुरे लगे तो माफ़ कर देना, अच्छे लगे तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहना और सपोर्ट करते रहना एनोनिमस की पब्लिक, और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना
और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। और जाते जाते वीडियो एंड हो तो प्लीज़ एक बार दुरुस्ती पढ़ लेना, मैं भी पढ़ूंगा, आप लोग भी पढ़ लेना। इंशाल्लाह मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। लव यू एनोनिमस की पब्लिक। अल्लाह हाफिज़।